So, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. I was pretty busy in last couple of months, and in these months I was working on some very interesting end-to-end machine learning projects in which I want to share with you through this platform. So the first project which I have started in these couple of months was wafer fault detection. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि आपके जो सेंसर्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट वेफर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके सेंसर्स के अंदर जो वेफर्स होते हैं उसके अंदर से आपको रीडिंग्स मिल रही होती हैं। तो एक कंपनी थी, वो ये चाह रही थी कि उसके पास बहुत सारे इस तरह के सेंसर्स हैं और उनके पास वहाँ से डेटा आ रहा है, तो वो उस डेटा को गैदर करके एक ऐसा मॉडल चाह रही थी कि जिसके थ्रू उन्हें पहले से पता चल जाए कि कौन से वेफर्स जो हैं वो फॉल्ट करने वाले हैं, वो उनकी हेल्थ जो है वो अब ख़त्म होने वाली है और वो इनको रिप्लेस कर सकें। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हमें दो क्लासेस मिलेंगी, एक होगा पॉजिटिव वन और एक होगा नेगेटिव वन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख रहे होंगे, अगर पॉजिटिव वन है तो हमें जो है वो जो वेफर की जो कंडीशन है वो ठीक है और हमें उसकी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नेगेटिव वन है तो हमें वो रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक ऑटोमेशन का भी प्रोसेस है, जो कि पहले इससे पहले जिस तरह से ये हो रहा होगा, इनके पास कपल ऑफ रीडिंग्स आती होंगी, वो उन रीडिंग्स को देख के उनको समझ के और उसके बाद उनको जहाँ पे उनके पास अगर क्लास माइनस वन है तो वहाँ जाके इसको रिमूव कर देते होंगे। तो इनका एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनका ये था कि इनको एक प्रिडिक्टिव मॉडल मिल जाए, और दूसरा इनका ये था जो कि दूसरे फेज़ में कंप्लीट होना था, और वो ये था कि जब आप मॉडल क्रिएट कर लें और आपके पास एक CSV बन जाए नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो उसके बाद आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे और उस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास उन तमाम वेफर्स की रीडिंग्स आ रही होंगी जो कि रिप्लेस कर देने चाहिए, और जो कि रिप्लेस करने के बाद उनकी लोकेशन भी उन्हें मिल जाए कि वो कहाँ पे हैं और किस पोजीशन के ऊपर हैं। और ये इनका सेकंड फेज़ था जिसमें जाहिर है कि कुछ डेटा की इन्वॉल्वमेंट और थी, जिसके अंदर हमें डिफरेंट इनकी लोकेशंस वगैरह भी चाहिए होती। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरे साथ थे, तीन और टीम मेम्बर्स थे, और हम लोगों ने जब इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें जो रीडिंग्स मिल रही हैं, पहले तो हमें वो एक समझ लें कि वो एक IoT डिवाइसेज हैं वेफर्स, ठीक है। अब वहाँ से आपको जो रीडिंग्स मिल रही हैं आप उन रीडिंग्स को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी एक ट्रिगर से आप उसको अपने प्रोजेक्ट में लाना चाहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हों और आपके पास डेटा रियल टाइम उसी वक्त वहाँ से डायरेक्ट आ रहा हो और आप उसके ऊपर प्रेडिक्शंस कर लें, ठीक है। तो आपको एक बीच में एक लेयर ज़रूर चाहिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जिसके थ्रू आप एक स्केड्यूलर भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपको हर 15 दिन के बाद या हर 10 दिन के बाद या हर 5 दिन के बाद आपको डेटा अपने प्रोजेक्ट के अंदर प्रेडिक्शंस के लिए चाहिए होगा। तो ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले तो हमने इस बात को जहन में रखा कि हमें वहाँ से जो डेटा आएगा वो बैचेस की सूरत में आना चाहिए, मल्टीपल CSV फाइल्स होनी चाहिए जो कि हम क्लिक करने के ऊपर हमें S3 बकेट के अंदर Amazon की या फिर हमें किसी न किसी तरह लोकल सिस्टम के अंदर मिल जाए। तो हुआ ये, फिर हम लोगों ने अपनी डेटा इंजीनियरिंग टीम से बात की, तो इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया कि S3 बकेट के अंदर वहाँ से जो डेटा आ रहा है वो S3 बकेट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद जब हम यहाँ से कोई ट्रिगर करेंगे कोई एक इवेंट, तो वो वहाँ से उस डेटा को उठा के ले आएगा बैचेस की सूरत के अंदर CSV फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो सबसे पहले हमारा ये चैलेंज यही था कि हम किस तरह से ये स्ट्रेटजी क्रिएट करें, ठीक है। तो जैसे ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये डेटा आएगा तो आपको इस बात को जहन में रखना है कि ये डेटा जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर आएगा तो ये मल्टीपल CSV फाइल्स होंगी, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई एक डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट बनाना होगा अपने क्लाइंट के साथ कि जिसके थ्रू ही हमें वो डेटा सेंड करे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास CSV फाइल आ रही है तो एक उस फाइल का जो नेम हमने
डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट के अंदर रखा हुआ है वो उसी उसी नेम फॉर्मेट के थ्रू ही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर जितने कॉलम्स होंगे वो हम पहले से प्री डिफाइंड रखेंगे कि इतने ही कॉलम्स हमें चाहिए ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो उस फाइल के अंदर जितने कॉलम्स होंगे वो भी डिफाइंड होंगे, उस कॉलम्स के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो डिफाइंड होंगी कि ये डेटा टाइप्स अगर आप हमें भेज रहे हैं तो यही डेटा टाइप्स आप हमें हर वक्त भेजेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी इंटीजर भेज रहे हैं और कुछ देर के बाद उसी फीचर की आप जो है वो स्ट्रिंग या फ्लोट भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको वही डेटा टाइप सेंड करनी है जो डेटा टाइप आप डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट के अंदर अग्री करेंगे, ठीक है। इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट जो है वो CSV ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ दिनों के बाद JSON फॉर्मेट सेंड करना शुरू कर दें, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो थे वो 590 नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे उस प्रोजेक्ट के अंदर, एक CSV फाइल के अंदर। तो 590 जब आपके पास आ रहे हैं तो 590 ही हर वक्त, हर दफ़ा 590 ही हमें सेंड होंगे। इन कॉलम्स की जो भी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, सही, ठीक है। और कॉलम डेटा टाइप जो कि मैंने आपको बताया कि वो जिस हिसाब से, जिस उसके अंदर हमने डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट के अंदर हमने लिखा हुआ है उसी तरह से वो सेंड होंगे, ताकि फिर हम आगे इसकी एक पाइपलाइन क्रिएट करें और आगे हम फिर इस डेटा को लेके जाएं और एक मॉड्यूलर कोडिंग के थ्रू हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ नोटबुक के ऊपर इस प्रोजेक्ट की जो है वो एक मॉडल क्रिएट कर दें और दे दें, हम ऐसा नहीं प्रोजेक्ट चाह रहे थे। एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तमाम पाइपलाइंस इंप्लीमेंटेड हैं, मॉड्यूलर कोडिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके अंदर इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। और डेटा जब वहाँ से आएगा तो वो एक एक करके तमाम पाइपलाइंस में होता हुआ अपने रिजल्ट्स को शो कर रहा होगा, पहले ट्रेन करेगा और उसके बाद प्रिडिक्शन की तरफ आएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग की और प्रिडिक्शन की, इन दोनों की हम लोगों ने एक डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट हम लोगों ने शेयर कर लिया, और ये कुछ इस तरह से उसकी स्कीमा थी जो कि आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इस तरह की हमने स्कीमा जो है वो रख दी, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन उस डेटा के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी दिखा दूँ आपको, जो अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखें, इस तरह से आपके पास ट्रेनिंग बैचेज आ रहे होंगे, ठीक है, और उसके बाद आप डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं, आप उस स्कीमा के ऊपर उस डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं जो कि आपके पास डेटा आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये डेटा इस स्कीमा के ऊपर जो कि हमने डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट के अंदर एग्री किया था इसके ऊपर, अगर वो डेटा इस वैलिडेशन के अंदर नहीं आता तो फिर हम इसकी दो डायरेक्टरीज बनाएंगे, बैड डेटा फोल्डर और गुड डेटा फोल्डर, ठीक है। तो अगर वो डेटा वैलिडेट नहीं हो रहा तो हम उसको बैड डेटा फोल्डर की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करा देंगे, ठीक है, और वो भी एक S3 बकेट ही होगा, ठीक है। और अगर वो गुड डेटा है तो इसको फिर हम फर्दर ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ लेके जाएंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशंस की क्यों ज़रूरत है यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत इसीलिए है कि आपको अब इस डेटा को जो कि बैच बाय बैच है, ठीक है, और उसके अंदर तकरीबन एक वक्त के अंदर 30 से 40 CSV फाइल्स आ रही हैं, और हर CSV फाइल के अंदर तकरीबन 150 प्लस कॉलम्स है, ठीक है। तो आप ये चाहेंगे कि आप इस डेटा को एक एक डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएं और उसके अंदर से, उस डेटाबेस के अंदर से फिर आप सिर्फ एक CSV फाइल को एक्सपोर्ट करवा दें, ताकि आपको जो भी पाइपलाइंस के अंदर जो भी आपको चीज़ें करनी है वो आपको सिर्फ एक CSV फाइल के अंदर ही करनी पड़े। अच्छा, जब आपके पास डेटा इस तरह से एक CSV फाइल फॉर्मेट के अंदर आ गया तो अब आप इस डेटा को प्री प्रोसेसिंग की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस की थी वो कुछ ज़्यादा नहीं थी, सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशंस थी ताकि हम इसको डेटाबेस के अंदर ले जा सकें। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, एक होती है कि अगर आपके पास कोई खाली स्पेस है, नल वैल्यूज़ हैं, तो आप उसको नल NULL की स्ट्रिंग के अंदर आप इसको नल को इस तरह से रिप्रेजेंट करवा दें और उसके बाद आप इसको डेटाबेस के अंदर डाल दें, ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, जो आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर तो खैर नहीं है, इसके अंदर तो जितना भी डेटा है वो सारा न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, और हम उस न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करते हुए हम आगे चले जाएंगे। अगर स्ट्रिंग कुछ इसके अंदर होता, कैटेगरिकल डेटा होता, तो हम उसको उस लिहाज से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते और हम इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर कुछ सिंगल कोट्स का इजाफा करते हैं ताकि वो डेटाबेस के अंदर आसानी से आ जाए, ठीक है। उसके बाद वो डेटा के अंदर स्टोर होने के बाद वो एक
एक्सपोर्ट कर देता है हमें CSV फाइल, जो कि एक पूरी मुकम्मल फाइल है जिसके अंदर वो तमाम डेटा मौजूद है जो कि हमने अभी बैचेस के अंदर देखा था। ठीक है, अब बारी आती है डेटा प्री प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब हम इस एक्सेल फाइल को या इस CSV फाइल को ले जाके हम नोटबुक क्रिएट करेंगे और उस नोटबुक के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या किस किस तरह से डेटा मौजूद है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, हम कोरिलेशंस देखेंगे इसके कि किस के साथ ये स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको आगे फर्दर मूव कराएंगे अपने मॉडल के अंदर। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर देखा कि हमारे पास कुछ फीचर्स ऐसे थे जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 था। ठीक है, तो हमने उनको रिमूव कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपके पास किसी फीचर्स का या किसी कॉलम का आपके पास 0 आ रहा हो तो आप उनको रिमूव करना ही उसको रिमूव उनको रिमूव करना ही बेहतर है, क्योंकि वो आगे जाके आपके मॉडल को बायस कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे पास इस डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमने देखा या EDA के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इन आउटलायर्स को डिटेक्ट करना, तो बॉक्स प्लॉट के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं। ठीक है, और रिमूव करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक यूनिक वे के थ्रू इसको रिमूव किया है, और वो यूनिक वे क्या है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने इसके अलावा इसके अंदर और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किए हमने, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमने इसके कोरिलेशंस को देखा। ठीक है, कोरिलेशंस को देखने के बाद हम इस बात को समझ गए कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई। ठीक है, अब हमें जाना है आगे की तरफ। आगे हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लाइंट जो है वो ये चाह रहा है कि हम सिर्फ एक डेटा मॉडल को यूज़ ना करें, ठीक है, हम मल्टीपल डेटा मॉडल्स को यूज़ करें। और फिर हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम लोग इस डेटा सेट को मुख्तलिफ क्लस्टर्स के अंदर तोड़ सकते हैं। ठीक है, हम के मीन्स क्लस्टरिंग के थ्रू इसको मुख्तलिफ क्लस्टर्स के अंदर तोड़ेंगे। ठीक है, और जो आउटलायर्स होंगे वो अलग एक क्लस्टर बना लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर इसके अलावा जितने भी फीचर्स होंगे जो कि हमें यूज़ करने, वो एक अलग क्लस्टर्स के रूप में हमें नज़र आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 3 क्लस्टर्स बन गए, C1, C2 और C3। ठीक है, अब C1 के अंदर हम डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर से कोई एक बेस्ट फिट मॉडल हम क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह C2 के अंदर भी करेंगे और C3 के अंदर भी करेंगे। सही है, दो मॉडल्स हम लोग इसके अंदर अप्लाई हम लोगों ने किए, एक हमारा था रैंडम फॉरेस्ट और एक था XG बूस्ट। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्लस्टर 1 के अंदर इन दोनों मॉडल्स को अप्लाई किया, और हमें पता चला कि यहाँ पे जो हमें बेस्ट फिट मॉडल मिल रहा है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद, वो था XG बूस्ट। लेकिन क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3 दोनों के अंदर इसके बाद जो हमें मॉडल मिला वो मिला रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मॉडल को क्रिएट किया। ठीक है, हमने पहले क्लस्टर्स किया, क्लस्टरिंग की, क्लस्टरिंग के बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद जब हम लोगों ने देख लिया कि हमें जो जो मॉडल्स इसके अंदर बेस्ट लग रहे हैं उनको हमने सेव कर लिया। ठीक है, और इसके बाद फिर डिफरेंट चीज़ें हुई और हम लोगों ने इसको इस प्रोजेक्ट को क्लाउड के अंदर शिफ्ट कर दिया ट्रेनिंग पर्पजेस के साथ। ठीक है, अब वो ट्रेन तो हो गया, अब बारी आती है प्रिडिक्शंस की। ठीक है, तो ट्रेन हो गया आपके पास, आपके पास क्लस्टर्स के फॉर्म में आपके पास क्लस्टर्स मौजूद थे, क्लस्टर्स के अंदर आपके अंदर डिफरेंट मॉडल्स मौजूद थे और आपने इसको ट्रेन कर दिया। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी डिवाइडेड अवर डेटा इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स यूजिंग के मीन्स क्लस्टरिंग। अच्छा, इसके अंदर एक और बात ये होती है कि जो के वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करते हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर हमें के वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, तो इसके अंदर जो हम लोग के वैल्यू सेलेक्ट करते हैं वो भी हम कंप्यूटेशनली ऑटोमेटिकली हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास एल्बो चार्ट जो है वो दिखता है, और एल्बो चार्ट के अंदर जैसे ही हमें पता चलता है कि इतने क्लस्टर्स हमें लेने चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है और वो उतने क्लस्टर्स को ले लेता है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लोगों ने जो क्लस्टर्स हमें जो यूज़ किए वो थे 3 क्लस्टर्स। 3 क्लस्टर्स के अंदर हम लोगों ने इस डेटा सेट को तोड़ा था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट किए। अब बात ये आती है कि आप क्यों यूज़ करना चाहते हैं ये वाली अप्रोच। ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं। इस अप्रोच को कहते हैं कस्टमाइज मशीन लर्निंग अप्रोच। ठीक है, डिवाइड डेटा इंटू डिफरेंट सेक्शंस बेस्ड ऑन सम ग्रुपिंग और सम क्लस्टरिंग टेक्निक, एंड देन
फॉर वन सेट ऑफ डाटा वी बिल्ड आवर मॉडल एंड फॉर अदर वी बिल्ड वी ट्राई टू बिल्ड अनदर मॉडल. ठीक है. सो वेन एवर न्यू डाटा प्रिडिक्शन केम इन टू पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई डैट आपके जो डेटा बेस के जो आपके जो डाटा सेट है उसके आपके क्लस्टर्स कौन से हैं. ठीक है. तो प्रिडिक्शन के अंदर वो पहले क्लस्टर्स को लेगा और उसके बाद वो आगे जाके उसको इसको प्रिडिक्शन के लिए लेके जाएगा. ठीक है. तो ग्रुपिंग ऑफ डाटा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही जनरलाइज मॉडल बना लें और हम लोग उसके थ्रू इस बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यूज़ करें. तो ऐसा क्यों है? एक तो वजह इसकी आउटलायर्स भी है कि हमें आउटलायर्स को भी सही से एड्रेस करना होता है. ठीक है. और दूसरी वजह इसकी ये है कि जब आपके पास बेस्ट फिट लाइन का आता है तो आप क्लस्टर्स के अंदर ज़्यादा अच्छी बेस्ट फिट लाइन को आप उठा सकते हैं. ठीक है. तो उसके बाद फिर प्रेडिक्शंस के लिए क्या होता है? प्रेडिक्शंस के लिए भी सेम उसी तरह से हम लोग चल रहे होते हैं. ठीक है. एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, अब वहाँ से डेटा सेंड किया गया. सही है. डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट के हिसाब से अगर डेटा वैलिडेटेड है तो उसको फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके गए. फिर उसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किया गया. उसके अंदर से हम लोगों ने एक CSV फाइल क्रिएट कर ली, जो कि बैच हमारे पास CSV फाइल्स के थे. सिर्फ एक हमारे पास अब CSV फाइल आ चुकी है. उसके अंदर हम लोगों ने डेटा प्री प्रोसेसिंग की जिस तरह से हम लोगों ने ट्रेनिंग के वक्त की थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उस डेटा की क्लस्टरिंग की, उसका एक मॉडल क्रिएट किया, उसकी प्रेडिक्शंस की, और उसके बाद इन प्रेडिक्शंस को हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया CSV फाइल्स के अंदर, जो कि आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक है. और उसके बाद ये प्रोजेक्ट एंड हो गया. ये प्रोजेक्ट तकरीबन 3 मंथ्स तक चला था हमारा, और उसके अंदर हमारे तकरीबन 4 रिसोर्सेज ने काम किया था.